शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वॉचिंग द संडे शो। न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। भाई कितना क्रेजी हफ्ता था ये। आपको ये वाला ऐड याद है? और जनाब क्या चल रहा है? अगर आज के टाइम पे ऐड चलता ना तो दूसरा भाई फॉग नहीं बोलता, देश में भसड़ चल रही है। सही पकड़े हैं। वैसे तो देखो बहुत सारी न्यूज हैं राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, जगह जगह से, लेकिन एक न्यूज जो पूरे हफ्ते कांस्टेंट रही वो थी एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे वर्सेस बीजेपी वर्सेस शिवसेना, ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्कुल जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको पिछले वाले शो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पूरा प्लॉट जो है वो महाराष्ट्र में सेट है। शिवसेना जो यूजली एक राइट विंग पार्टी मानी जाती है और उसके लीडर हैं स्लैश थे उद्धव ठाकरे, जिन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ लेकिन सरकार बनाई थी कोअलिशन में एनसीपी और कांग्रेस के साथ, महाविकास अघाड़ी, और इसी वजह से इनकी हो गई बीजेपी से एंटी। पार्टी बदल लिया साला। ये है मेन कैरेक्टर। इसके अलावा संजय राउत, देवेंद्र फडणवीस, कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी के भी केमियो हैं। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। फिर एंट्री हुई एकनाथ शिंदे की। यस, दिस गाय हु लुक्स लाइक यंग अमित शाह विद अ हेयर केयर रूटीन। ये शिवसेना के ही एक एमएलए थे और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता। इन्होंने हाल ही में 30 से लेके 40 एमएलए के साथ एक रिबेलियन छेड़ दिया और उसकी रीजन बताया हिंदुत्व को। यहां तक पिछले हफ्ते क्लियर था। अब इस हफ्ते क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे ने दो सिटीज के नाम बदलवा लिए, उद्धव ठाकरे को सीएम पोस्ट से रिजाइन करवा लिया, बीजेपी की सरकार बनवा ली और खुद सीएम बन गए। मतलब पूरा तख्ता पलट। सही खेल गया बेंच। तो ये थी इस हफ्ते की बेसिक स्टोरी लाइन। जैसे आप कुछ सीखो ना सीखो, बस इतना सीख लेना कि पॉलिटिक्स में ना कोई लॉयल्टी होती है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बस होती है तो पावर की भूख। एवरीबडी, सबके सब चोर हैं साले। वैसे एकनाथ शिंदे भाई की स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग। वन डे यू डोंट नो हिज नेम, द अदर डे ही ब्रिंग्स द गवर्नमेंट टू अ स्टैंड स्टिल एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो ही इज द गवर्नमेंट। बहुत तेज आदमी है ये भाई, लेकिन इनसे भी ज्यादा अगर कोई तेज था इस हफ्ते तो वो थे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, जिन्होंने अनाउंस किया कि बहुत ही जल्द उनका एक फूल सरी सा लल्ला होगा जिसका नाम रखेंगे वो गंगा प्रसाद। मतलब उन्होंने प्रेगनेंसी अनाउंस की। आपको याद होगा ये जवानी है दीवानी में रणबीर कपूर का एक डायलॉग था, और अगर बच्चे चाहिए तो उसका शादी से क्या लेना देना, वो तुम अभी बना सकते। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। तो इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की और क्योंकि इनकी शादी अभी हाल ही में हुई थी तो लोगों ने तो अलग ही इंटरेस्ट जगा लिया। लोगों ने अपने कैलकुलेटर बाहर निकाल लिए कि अच्छा आज प्रेगनेंसी अनाउंस हुई है, शादी इस तारीख को हुई थी तो अंधेरी रात में बारिश किस तारीख को हुई होगी। फिर जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है यार, वो कब शादी कर रहे हैं कब बच्चा कर रहे हैं उनका डिसीजन है, अपन अपने काम से काम रखते हैं। सिर्फ तीन लोग हैं जो इस पूरी स्टोरी में मैटर करते हैं, एक है रणबीर कपूर, एक है आलिया भट्ट और तीसरा है तैमूर। लाइमलाइट तो उसी बेचारे की जाएगी ना। अच्छा, डिस्क्लेमर अलर्ट फॉर द नेक्स्ट न्यूज, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी अ लिटिल मोर सीरियस, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्टोरी को तो आप इस टाइम स्टैम्प तक कर सकते हैं क्योंकि डिटेल्स थोड़ी ज्यादा विचलित कर देने वाली हैं। इस हफ्ते उदयपुर में कन्हैया लाल जो एक टेलर थे और उन्होंने नूपुर शर्मा के सपोर्ट में एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला था तो दो आतंकवादियों ने उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस घटना को वीडियो पर रिकॉर्ड किया, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया और एक और वीडियो बनाते हुए घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दे दी। इस घटना के बाद उदयपुर में सेक्शन 144 लगा दिया, वहां का इंटरनेट डाउन कर दिया गया और देश की ऑलमोस्ट हर सिटी में सिचुएशन काफी टेंस रही। यहाँ थोड़ी देर पहले एक युवक को पकड़ा गया और उसे मारना शुरू कर दिया भीड़ ने अचानक से। उसे मारने की वजह यह थी कि लोगों को यह शक था कि वो व्यक्ति हिंदू नहीं है। उससे उसकी आईडी मांगी गई, जब वो आईडी देने में नाकामयाब रहा तो देखिए किस तरह से उसे पीटने लगे लोग और उसे सवाल करने लगे। इस घटना के बाद पूरा देश सदमे में आ गया, विद नॉट जस्ट द क्राइम बट जिस बेदर्दी से ये किया गया था उसकी वजह से भी। सागर काजम ने ट्वीट करके बहुत अच्छा कहा था कि द सेंस ऑफ प्राइड दे हैड इन व्हाट दे डिड दैट स्केयर्स अस, कि ना सिर्फ इन्होंने किया बल्कि इनको वो काम करने के बाद जो घमंड था उस पर, जैसे इन्होंने कोई बहुत ही महान काम कर दिया हो। इस घटना का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि जो हुआ उसके बाद हालत बद से बदतर हो सकती है। इस मर्डर को देश भर ने कंडेम किया, हर ऑर्गेनाइजेशन हर व्यक्ति ने, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बैठे बैठे वॉट अबाउटरी कर रहे थे। मतलब एक एसी रूम में आईफोन से ट्वीट करना बहुत आसान है व्हाट अबाउट दिस,
लेकिन एक नॉर्मल सिटी के नॉर्मल मोहल्ले में इस चीज का कितना गहरा असर पड़ेगा इसका आइडिया भी है आपको। ये क्राइम जो हुआ है उसकी वीडियो जो इंटरनेट पर डाली गई है ये हमेशा रहेगी इंटरनेट पर, और इसको दिखा दिखा कर लोगों को पोलराइज किया जाएगा, और शायद आपको कोई फर्क ना पड़े लेकिन जो एक एवरीडे नॉर्मल मुस्लिम है ना उसको बहुत फर्क पड़ेगा, लोगों का नजरिया बदल जाएगा उसके खिलाफ, चाहे भले ही उसका आपकी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना ना हो। नूपुर शर्मा ने गलत किया, चलो एक पॉइंट के लिए मान लेते हैं उसने गलत किया, लेकिन फिर उसके सपोर्ट में किसी एक बंदे ने सोशल मीडिया पोस्ट डाला है, उसके लिए उस निहत्ते और निर्दोष इंसान का इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर देना, ये आपको लगता है जस्टिस है? ये एक्ट ऑफ टेरर है। एंड मेक नो मिस्टेक, अगर कहीं पर लिंचिंग होती है और अगर उस पर आपका पोस्ट आता है तो जनाब यहां पर भी धर्म के नाम पर ही वायलेंस हुआ है, और अगर आप इसको कंडेम नहीं कर रहे तो फिर हिपोक्रेसी हो रही है, फिर आप राइट विंग को कुछ मत बोलिए। और नूपुर शर्मा ने जो किया उसके लिए उसको पार्टी से ऑलरेडी निकाल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माफी मांगने के लिए कहा है। एंड लेट मी पॉइंट आउट, वो लोग जो एक दूसरे को सोशल मीडिया पर गाली देते हैं, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें एक हल्का सा रिलीजियस या पॉलिटिकल एंगल हो, उसके रिप्लाई में आप देखना दो तीन लोग होंगे जो आपस में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। लोग लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहन को ऐसे याद कर रहे हैं जैसे सही में बहुत भाईचारा हो। मतलब एक अनजान शहर के एक अनजान आदमी को सोशल मीडिया पर गाली देके पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे ये लोग। इस मामले में बहुत जरूरी है कि हम पीस और सैनिटी बनाए रखें, क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आपको सोशल मीडिया से भी हेट ही लेनी है तो टीवी न्यूज वालों को किस मुंह से गाली दे रहे हैं हम, सोच के देखिए। ये काफी सीरियस मसला था, और अब जब दोनों आरोपियों को पकड़ा जा चुका है तो फिर चीफ मिनिस्टर और सारे रेलिवेंट लोगों ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब देखते हैं कुछ न्यूज ऑफ द वीक। अच्छा, अगर आप वर्किंग क्लास से आते हैं यानी कि आपकी अगर एक नौकरी है और तनख्वाह से आपका घर चलता है तो आपके लिए मेरे पास एक न्यूज है। सरकार ने इस हफ्ते नए वेज कोड लागू किए हैं। अब नॉर्मली होता क्या है कि जॉब छोड़ने के बाद जो पूरी प्रक्रिया होती है वो डेढ़ से लेकर दो महीने के बीच में खत्म होती है, जैसे कि फाइनल सेटलमेंट, एक्सपीरियंस लेटर, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी वगैरह वगैरह। लेकिन नए कोड के मुताबिक अगर किसी एम्प्लॉय को कंपनी से निकाला जाता है या वो इस्तीफा देता है या कंपनी बंद हो जाती है तो दो दिन के अंदर अंदर फाइनल सेटलमेंट करना होगा, ये अब मैंडेटरी कर दिया गया है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि हमारे संविधान में जो लेबर है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसलिए आप इस लॉ के अंदर आते हैं या नहीं ये आप अपना स्टेट देखकर ही बता पाएंगे। अगला है एक डेटा जो हमें बताता है कि भारतीयों की स्विस बैंक में जमा राशि, जिसको हम प्यार से काला धन भी कहते हैं, वो अपने 14 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। 2021 में भारतीयों की जो स्विस बैंक में राशि जमा थी वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए थी, जो पिछले 14 सालों में सबसे ज्यादा था। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको याद होगा कि काला धन कम करना और उसे विदेशी बैंकों से वापस लाना इस सरकार ने एक बड़े एजेंडे के तौर पर बेचा था। क्या नहीं बोल सकते? सेडिशन लगा दोगे? यही दोस्ती? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर आप अपने देश के हालातों को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसमें सुधार की उम्मीद रखते हैं तो आप इस न्यूज को समझ पाएंगे, वरना ये सब इंटरनेशनल साजिश तो है ही। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये एक रैंकिंग है जो दुनिया भर के शहरों की जाती है। इसमें होता क्या है कि किसी भी देश की पॉलिटिकल, सोशल स्टेटस, उसका क्राइम, उसका हेल्थ केयर, उसकी एजुकेशन, ऐसे फैक्टर्स को मापा जाता है और डिसाइड किया जाता है कि कौन सा शहर सबसे ज्यादा रहने योग्य है यानी कि लिवेबल है। इसमें लगभग 140 सिटीज को रैंकिंग दी गई, और हमारे देश की बात करें तो दिल्ली 112वें स्थान पर और मुंबई 117वें स्थान पर आया। दुख की बात यह थी कि टॉप 100 में से इंडिया की एक भी सिटी मौजूद नहीं थी। मोस्ट लिवेबल सिटी वॉज ऑस्ट्रिया की वियना, फिर कोपेनहेगन, फिर फ्रैंकफर्ट वगैरह वगैरह, यू नो, बॉलीवुड की शूटिंग लोकेशंस। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, द फैक्ट कि टॉप 100 सिटीज में इंडिया की एक भी सिटी नहीं आती है जस्ट टेल्स अस कि एज अ कंट्री वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इस हफ्ते हमने वेंकटरामन कृष्णमूर्ति जी को खो दिया। नाउ जिसको नहीं पता, कृष्णमूर्ति जी को इंडिया के पीएसयूज का टर्न अराउंड मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंडिया के कई सारे ऐसे पीएसयूज हैं जैसे कि बीएचईएल, एसएआईएल, जीएआईएल, इन कंपनीज की कृष्णमूर्ति जी ने किस्मत बदल दी थी, यानी कि उनको बहुत खराब पोजीशन से मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, इनके कामों के लिए इन्हें अभी तक पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका था, और इस हफ्ते हमने उनको खो दिया। इस खबर को टीवी न्यूज ने उतना कवर नहीं किया, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे इसलिए इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगली खबर थोड़ी इंटरनेशनल है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने जर्मनी में बाकी सारी G7 कंट्रीज के साथ साइन किया रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट।
अब इसमें होता कुछ नहीं है, बस जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है वो एक तरह से प्रण लेती है कि वो अपने देश में पब्लिक डिबेट को ओपन रखेंगे, मीडिया को इंडिपेंडेंट रखेंगे, इन्फॉर्मेशन फ्लो पे ज्यादा रोक टोक नहीं लगाएंगे और अपने सिटीजंस के लिए अकाउंटेबल रहेंगे, बेसिकली लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। नाउ ये न्यूज इसलिए भी ज्यादा वायरल रही क्योंकि जब ये अखबार में छपा था कि इंडिया वोज टू प्रोटेक्ट फ्री स्पीच विद G7 कंट्रीज, साथ ही साथ में ये भी छपा था कि उन्होंने एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया है। नाउ विच इज अ गुड टाइम टू टेल यू अबाउट जुबेर्स अरेस्ट। ऑल्ट न्यूज के जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबेर को इस हफ्ते दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जुबेर ज्यादातर एक फैक्ट चेकर के तौर पर जाने जाते हैं। मोहम्मद जुबेर को हाल ही में एक 4 साल पुराने ट्वीट जिसमें इन्होंने एक मूवी के एक सीन का स्क्रीनशॉट डाला हुआ था, उसे एक अनोनिमस अकाउंट के रिपोर्ट करने के बेसिस पर अरेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ कोई जोक नहीं मारूंगा क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अपने आप में एक जोक है। और अरेस्ट के बाद से टीवी न्यूज वालों ने जुबेर को छोड़ा नहीं है क्योंकि बहुत खुड़खाते हैं इससे। वो वीडियो गेम की क्लिप एज अ वॉर फुटेज बना के चला देते हैं, ये ट्विटर पे जाके पोल खोल देता है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, जो नुपुर शर्मा का क्लिप वायरल हुआ था जिसकी वजह से इतना सारा हंगामा क्रिएट हुआ, वो जुबेर ने ही वो क्लिप अपने ट्विटर के अकाउंट पर अपलोड किया था। एंड हालांकि जुबेर ने अपने करियर में बहुत अच्छा काम किया है, कई सारी ऐसी बड़ी फेक न्यूज हैं जो इन्होंने बस्ट की हैं। ये ऑल्ट न्यूज के साथ काम करते थे और ऑल्ट न्यूज, बूम लाइफ, क्विंट वेबकूफ, इनका फेक न्यूज बस्टिंग में कितना बड़ा हाथ है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको पॉलिटिकल डायनेमिक्स नहीं पता उसको बता दूं कि इनकी राइट विंगर से बहुत एंटी चलती है। और अगर आप कई सारे राइट विंग की पर्सनैलिटी से बात करोगे या उनके ट्विटर स्पेसेस में जाओगे तो आपको ये ओपिनियन सुनने को मिलेगा कि जुबेर ने जो क्लिप वायरल किया उसके पीछे उनका इंटेंट कम्युनल टेंशन भड़काने का था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आई नो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया। एक न्यूज और सुन लो फिर जाते हैं नॉनसेंस न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज आती है स्पोर्ट्स से, जहां पर इंग्लैंड के क्रिकेटर ओएन मॉर्गन ने इस हफ्ते इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ओएन मॉर्गन, जिसको नहीं पता, ये वही कैप्टन थे जिनकी कैप्टनसी में 2019 में इंग्लैंड ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। ये काफी अच्छे बैट्समैन है और बहुत ही कंपोज्ड कैप्टन माने जाते थे, जस्ट लाइक महेंद्र सिंह धोनी एंड केन विलियमसन। और अब ओएन मॉर्गन के जाने के बाद जॉस बटलर इंग्लैंड के अगले ओडीआई कैप्टन होंगे। फाइनेंस न्यूज की बात करें तो इस हफ्ते मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी रिलायंस जियो के चेयरमैन बन गए हैं। नाउ कीप इन माइंड, जो पेरेंट कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, उसके जो चेयरमैन है वो अभी भी मुकेश अंबानी ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि अब रिलायंस की लीडरशिप में बदलाव आ रहा है तो आकाश अंबानी ने कमान संभालना शुरू कर दी है। अब आप पूछोगे ये न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भले ही आप अंबानी अडानी को जितना भी गरिया लो लेकिन देश की तो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं वो यही लोग संभालते हैं, और इनकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और उनके स्टॉक्स के बेसिस पे देश का स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है। नेक्स्ट इज कि इस हफ्ते जीएसटी के नियमों में थोड़ा बदलाव हुआ है, जिसे आपको, मुझे और हर देशवासी को जानना जरूरी है, जिसे हम एक एक्सपर्ट के द्वारा समझेंगे। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जीएसटी में जो चेंजेस आए हैं वो आपकी जिंदगी पे किस तरीके से असर करेंगे। सोलर वाटर हीटर है, हॉस्पिटल बेड से, अगर आप 5,000 से महंगे हॉस्पिटल बेड पे जाके भर्ती होते हैं तो उस पर आपको ज्यादा जीएसटी देना होगा। होटल रूम्स, अगर 1,000 से ज्यादा महंगा होटल रूम लिया है आपने तो उसके ऊपर ज्यादा जीएसटी लगेगा। पैकेज फूड्स होते हैं जैसे कि दही है, पनीर है, चीज है, कोई भी पैकेट फूड जो आप खरीदते हैं उसके ऊपर अब ज्यादा जीएसटी लगेगा, इसका मतलब वो महंगा हो जाएगा। एलईडी लाइट्स और लैंप्स जो अमूमन दिवाली पे इस्तेमाल करते हैं वो महंगी हो चुकी है। लेदर गुड्स, अगर आप कोई भी लेदर गुड अब खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको ज्यादा जीएसटी देना होगा। मगर इसके साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें हैं जो सस्ती भी हुई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सरकार ने सस्ती कर दी है, तो अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको कम जीएसटी देना पड़ेगा। डिफेंस आइटम्स कम हो चुके हैं। ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस पे कम जीएसटी लगेगा, तो अगर आप कोई भी हड्डी से जुड़े कोई भी अप्लायंसेस खरीदने वाले हैं तो उसके ऊपर आपको कम जीएसटी देना पड़ेगा। रोपवे राइड्स, अगर आप पहाड़ों पे घूमने जाते हैं और आपको रोपवे राइड्स का शौक है तो उस पर कम पैसे खर्च करने होंगे आपको। एंड गुड्स कैरेज रेंट, मतलब अगर आप मान लीजिए दिल्ली से बंबई कोई सामान भेजना चाहते हैं तो जो आप पहले रेंट ज्यादा देते थे अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि उसमें जो जीएसटी कॉम्पोनेंट है वो सरकार ने कम कर दिया है। तो हर हफ्ते हमारे पास कुछ ऐसी न्यूज भी आती है जिसे हम इग्नोर करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते क्योंकि वो होती इतनी अजीबोगरीब है। शुरुआत करते हैं मेरी फेवरेट शादी की न्यूज से, क्योंकि शादी की न्यूज और शादी का खाना तुम्हारा भाई कभी नहीं छोड़ता। बड़ा हरामी हो बेटा। अब सरप्राइजिंगली इस केस में शादी कैंसिल नहीं हुई, लेकिन जो हुआ उसको देख के दूल्हा सोच रहा होगा कि काश हो जाती। और वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद दूल्हे के दोस्तों ने उस पर 50 लाख रुपए का डिफेमेशन का केस कर दिया। और वो इसलिए नहीं क्योंकि इसने अपनी सालियों से उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने अपने दोस्तों के बिना अपनी बारात निकाल दी थी।
मतलब उसने इनके बिना बारात निकाली तो ये लोग अब उसकी परेड निकाल रहे हैं, जो कि सही है। क्योंकि देखो दिस माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट एक शादी में दुल्हन के बिना सुहागरात बन सकती है लेकिन दोस्तों के बिना बारात नहीं निकल सकती। लेकिन यार देखो टू बी ऑनेस्ट पैसा थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब जो बंदा 50 रुपए की उधारी नहीं चुकाता तुम उससे 50 लाख मांग रहे हो, इतना तो उसको दही। टर्की में एक आदमी के पेट का ऑपरेशन हुआ, अब गेस करोगे क्या निकला, बच्चा कहां से निकलेगा, आदमी है यार वो। दिस मैन टर्नड आउट टू बी आयरन मैन, क्योंकि इसके पेट से सिक्के चुंबक नट बोल्ट समेत लोहे के 233 आइटम्स निकले मेड ऑफ आयरन। मतलब यहां पेट में बात नहीं पचती, ये भाई पूरा कबाड़ खाना लेके घूम रहा है। अगली न्यूज नॉनसेंस कम है बट दैट्स ऑल व्हाट मेक्स सेंस ज्यादा है। एंड्रयू फॉर्मिका ये जुपिटर फंड मैनेजमेंट के सीईओ थे, ये कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 68 बिलियन डॉलर्स है, 68 अरब डॉलर। इन्होंने हाल ही में अपनी जॉब छोड़ दी और बोला कि अब वो कुछ नहीं करेंगे, बस बीच पर बैठेंगे। और बीच पर बैठ के इनको क्या करना है, कुछ नहीं, सॉर्टेड। आई एम वेरी जेलस एंड वेरी हैप्पी फॉर दिस गाय कि भाई लाइफ में इतना सक्सेस चाहिए कि इतने स्वैग में अपनी जॉब छोड़ दे बंदा, क्या करना है कुछ नहीं। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो इस भाई का रिटायरमेंट प्लान है कि इसको बीच पर जाके बैठना है, या तो इसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है या तो इसका पेडलर बहुत अच्छा है। अच्छा क्या आपको पता है कि हमारे पड़ोसी देश में, अबे एक लौता पड़ोसी देश नहीं है हमारा, तुम न्यूज चैनल देखना कम करो, नेपाल में हाल ही में गोलगप्पे / पानीपुरी / फुल्का / फुचकी / गुपचुप, कितने नाम है इसके, नेपाल में हाल ही में अथॉरिटीज ने पानीपुरी को बैन कर दिया है। और उसका रीजन ये दिया है कि उनका कहना है कि पानीपुरी के पानी से उनके देश में कोलेरा फैल रहा है। वो ठीक है बट बैन क्यों कर दी, इनको सूखी पापड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं पता क्या। बैंगलोर में एक बैंक मैनेजर ने लगभग 6 करोड़ रुपए के फंड्स डाइवर्ट कर दिए अपने गर्लफ्रेंड के अकाउंट में, जो उसे कुछ ही दिनों पहले एक डेटिंग वेबसाइट पर मिली थी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर भाई, जमाना बदल गया है। एंजल प्रिया जो फेसबुक पे डेटा पैक रिचार्ज करवाती थी, अब वो टिंडर पे घोटाले करवा रही है। और जिसने किया है, मुझे उससे बस एक ही सवाल है कि भाई आपने 6 करोड़ रुपए उड़ा दिए एक ऑनलाइन डेटिंग मैच पर, भाई आप डेस्परेट ज्यादा हो या बेवकूफ। हर्ष गुजराल भाई इनको मैथ्स बताना थोड़ी, अबे हर्ष गुजराल की कसम 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वीक, स्टार्ट करते हैं असम से, जहां पर अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। डेथ टोल 150 से ऊपर जा चुका है और अभी भी आसाम के लोग बिजली, खाना, मेडिकल केयर जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वहां एक कैंसर हॉस्पिटल भी है जो पूरी तरीके से डूब चुका है। तो फिर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और पद्मश्री विनर डॉक्टर रवि कनन और उनकी टीम मेकशिफ्ट बोट्स बनाकर पेशेंट्स तक जा रही हैं और उनको ट्रीट कर रही हैं। मेकशिफ्ट बोट्स कुछ नहीं होता है, दरअसल टायर ट्यूब के ऊपर एक लकड़ी का पट्टा लगा दिया जाता है जिससे पानी में नेविगेट किया जा सके। और इतनी परेशानियों के बावजूद मेडिकल प्रोफेशनल्स अपने पेशेंट्स को आउट ऑफ द वे जाके ट्रीट कर रहे हैं। आपका नहीं पता बट मुझे ये कोई मूवी सीन से कम नहीं लगता। बहुत छोटे लेवल पर भी एक इंसान एक बड़ा चेंज ला सकता है, याद है ना। मिलिए नम्रता आनंद जी से, ये पटना डिस्ट्रिक्ट के सिपारा गांव में एक सरकारी स्कूल की टीचर है जो ना सिर्फ अपने टाइम में बच्चों को भी पढ़ाती हैं बल्कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद आसपास के गांव में दिव्यांग बच्चों और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चों को भी पढ़ाती हैं। अब देखिए जो गांव में रहता है या जो रहा है गांव में, उसे पता होगा कि जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं कभी कभी कुछ सोसाइटल रीजंस की वजह से वो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। तो फिर ये करती क्या है कि जाके आसपास के गांव में जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं उनको भी पढ़ाती हैं ताकि कोई भी एजुकेशन से वंचित ना रह पाए। अगली कहानी है हैदराबाद से, जहां का एक स्टार्टअप है बनियान नेशन, जिसने पिछले साल लगभग 30 करोड़ प्लास्टिक बॉटल्स बनाई हैं रिसाइकल्ड प्लास्टिक से। इस कहानी के बताने के पीछे का रीजन ये है कि जहां बहुत सारी कंपनीज कैपिटलिज्म की दौड़ में पर्यावरण का नाश कर रही हैं, ऐसे कुछ कुछ अच्छी पॉजिटिव स्टार्टअप्स भी हैं जो टेक्नोलॉजी की मदद से एक पर्यावरण में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अगर आप पंजाब से हैं तो आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा, रोहित मेहरा। अरे ये वाला नहीं यार, IRS ऑफिसर रोहित मेहरा, इन्हें प्यार से ग्रीन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 75 मैनमेड फॉरेस्ट बनाकर खड़े कर दिए हैं। और हाल ही में जो गुरदासपुर में इन्होंने मैनमेड फॉरेस्ट बनाया
वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मैनमेड फॉरेस्ट है। नाउ दीज आर द सॉर्ट ऑफ हीरोज आवर कंट्री डेस्परेटली नीड्स इन द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भाई बहन बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मीम्स के साथ मजे तो होते ही हैं, साथ ही साथ में हम थोड़ी बहुत ना यहाँ वहाँ की जनरल नॉलेज, यहाँ वहाँ की ज्योग्राफी भी सीख जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पंचटन ने ट्वीट किया है, बीजेपी हैज अ सिंपल पॉलिसी, इफ प्लान ए फेल्स स्विच टू प्लान सी, बी आई एंड ई डी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अत्यंत ब्रूटल हैज ट्वीटेड, कर्मा तर्मा कुछ नहीं होता ब्रो, जो सबका बुरा करता है वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। ये तो फैक्ट्स ब्रो, फैक्ट्स। दवा अंडरस्कोर दारू, ट्रू कॉलर नोटिफिकेशन इज कमिंग बिफोर कॉल्स। मैं क्या सोचा है यार, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में। ब्रो दिस एनआरआई कपल स्टैंडिंग नियर मी जस्ट डिसिप्लिन देयर किड बाय सेइंग, ये इंडिया है, यहाँ हम आपको थप्पड़ लगा सकते हैं, पता है ना। ये तो सही बात है, मतलब फॉरेन में होता होगा, ओह माय गॉड हेनरी कम बैक, दैट प्लेस इज नॉट गुड फॉर यू, कम बैक प्लीज डार्लिंग। और हमारे देश में, अबे नाच मिटे वहां कहां जा रही है, यहाँ आ जा पिटके ही मानेगा के, घर चल बताता मैं तेरे को। जस्ट रियलाइज आई हैव बीन वॉचिंग फॉर 6 मंथ्स एंड नेवर मिस्ड अ सिंगल एपिसोड, थैंक यू बट स्टिल नॉट सब्सक्राइब्ड। पेन, पीड़ा, पैनिक। Humans of humanities, your show is helping me in preparation for CUET exams. Thanks. बेटा तुम लोग बोलते तो बहुत हो, बट अगर पास नहीं हुए ना तो मार्ट साहब मुर्गा बना देवे। Actor Ben Affleck's 8-year-old son crashes 3 crore Lamborghini into BMW in US. पहली बात तो यार यूएस में कितनी लग्जरी, मतलब Lamborghini भी BMW में क्रैश हो रही है। My father when I lost 10 रुपी का पेन mistakenly. बहुत कुटाई होती थी यार, जो कि सही बात है। चाइल्ड अब्यूज विदेश में होता है, यहां तो चप्पल कुटाई होती है। इट्स अंडरस्कोर मिस्टर डॉट केडी अंडरस्कोर 06, क्या तकलीफ है तुम्हारे जीवन में पुत्र। वॉचिंग फ्रॉम, अरे वो जहां मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था 1757 में। इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई थिंक इट इज, नाउ दिस हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोगों को बताता हूँ। जनाब बात कर रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल से और उनके फ्रेंच अलाइज से लड़ा था, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए जीत गई थी क्योंकि जो मीर जाफर थे, जो उस टाइम के नवाब के कमांडर इन चीफ थे, जो उनके सेनापति थे, उन्होंने उनके साथ दगा कर दिया था। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, थैंक यू सो मच। तो रही बात सर, आप फिर कहीं बंगाल के आसपास से ही होंगे। वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ आमी तुमाके बालूमाशी, मी टू फ्रॉम कोलकाता, सेम टू यू को बंगाली में क्या बोलते हैं। चंद्रिका दास इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी दैट्स नेम इज द ट्रांसलेशन ऑफ टू वर्ड्स, रॉक एंड शोर। रॉक पेपर सीजर, रॉक इज पत्थर, शोर इज द्वीप, पत्थर द्वीप। कॉमेंट करके बता देना यार ये वाला। वॉचिंग द शो फ्रॉम द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो द राइस कैपिटल ऑफ इंडिया, ऑल्सो हिंट प्रीवियस कैपिटल ऑफ ओडिशा, ये पिछले एपिसोड में भी किसी ने बोला था। सो द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया इज कटक, एंड विच इज नोन एज द सिल्वर सिटी ड्यू टू इट्स हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ फेमस सिल्वर फिलग्री वर्क्स। Odisha High Court is also located there. It is commercial capital of Odisha, which hosts many trading and business houses in and around the city. Cool, good information. Watching from the land of high passes. अच्छा ये बड़ा interesting है क्योंकि land of high passes is Ladakh, which literally means land of high passes. La means passes and Dakh means numerous. मतलब वो जगह जहाँ पर बहुत सारे passes हैं. So the Ladakh is the land of high passes and it's also a very beautiful place. Ramin Rishi Das is watching the Sunday show from the place where the production of bamboo products and natural rubber in this country. So I guess Tamil Nadu or Kerala, jo south region hote hain, wahin par bamboo sabse zyada ugta hai. To sir wahin se honge aap. Saif Ali ne meme banaya hai, Assam government Assam flood ko ignore karke Maharashtra crisis pe dekh rahi hai. Ab yaar wo dekh to rahe hain. Ab 5-star hotel tak baad nahi pahunch rahi, to usme netaon ki kya galti. तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया, थोड़ी बहुत हंसी आई, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक जरूर कीजिएगा। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए एज यूजुअल टाटा बाय बाय, शब बखैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।